वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का जो नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं आ गए हूँ, जो कि 66 या 67 पार्ट होंगे। तो इसके पहले मैंने अभी तक टोटल 65 या 66 पार्ट अभी तक मैंने करवा दिया है। यदि उन वीडियोस को भी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, वह आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए टेस्ट से ही अधिकतर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। मैं इस बात को डेली बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप लोग कोई दिन तो मेरे बात को सीरियस ले लीजिएगा, इसलिए मैं डेली बोलता हूँ किस दिन आप लोगों का मूड आए और किस दिन आप लोग जो पिछले टेस्ट को छोड़ा है उसको करना स्टार्ट कर दें। तो देखिए कभी भी आदमी का मन कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को डेली एक बार बता देता हूँ। चलिए, तो आज का क्लास है, तो आज इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके पहले आप लोगों का टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, तो टोटल 775 यानी 775 क्वेश्चन टोटल अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हूं, जो कि आपके आने वाले नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम्सों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यह टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से 10 से 15 मार्क्स आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आने वाले हैं, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहां डेली क्लास होता है और पीछे कम से कम 68 से 70 डेज से पिछले रेगुलर क्लासेस हो रहा है। इतना कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस होता है, डेली क्लासेस होता है, जो कि कोई भी चैनल जल्दी आपको नहीं करवाती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन का आपका सही जवाब देना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में उसको बताना भी है कि आप लोगों ने कुल कितना सही जवाब दिया है। पहला क्वेश्चन है, बुल आई का संबंध किस खेल से है? तो बुल आई का संबंध किस खेल से है? बुल आई जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस, निशानेबाजी, गोल्फ या फिर क्रिकेट? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर। बुल आई जो संबंधित है वो किसे? निशानेबाजी से संबंधित। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वें एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन टोक्यो जापान, जकार्ता इंडोनेशिया, लंदन ब्रिटेन या कुआलालंपुर मलेशिया। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब आपको बताना है। तुक्का कभी नहीं मत मारिएगा एग्जाम में, तुक्का आपको नेगेटिव के तरफ खींचेगा। चलिए इसका जो सही सटीक जवाब क्या है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था 18वें एशियाई खेलों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? जो पेनाल्टी किक का संबंध है किस खेल से है? हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल या कोई भी नहीं? तो देखिए आप लोग आए दिन मैचेस देखते रहते हैं टीवी पे, तो आपको पता होगा पेनल्टी किक का संबंध किस खेल से है। खेल में आप लोग बहुत आगे हैं, खेल का क्वेश्चन आप लोग इतना अच्छे से सही करते हैं जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले प्रथम खिलाड़ी, कपिल देव, शोएब अख्तर, इरफान पठान, इनमें से कोई नहीं। टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या है आपको पता हो तभी दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब इरफान पठान हो जाएंगे। इरफान पठान यूसुफ पठान जी के भाई हैं, आपको पता होगा। सन 2016 के ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन शिकागो, लंदन, पेरिस या रियो डी जेनेरियो। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक सही समय दिया जाएगा जैसे कि एग्जाम्स में आप करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, कौन से देश में है आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं देखना चाहता हूं आपका नॉलेज सिर्फ अधूरा है या पूरा नॉलेज रखते हैं। और 2020 में क्वेश्चन एक और देख लीजिए, 2021 में जो ओलंपिक होगा वो कहां पर होगा ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, पहला ऑप्शन जापान, कनाडा, स्पेन, USA। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक ही जवाब आपको देना है, हर क्वेश्चन का तुक्का नहीं मारना है,
महाकाल का नाम लीजिए, हर एग्जाम अच्छा जाएगा यदि आप पढ़ के जा रहे हैं तो। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 5, 6, 9। तो याद रखिएगा, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में फिर 7 कबड्डी में होते हैं, खो खो बेसबॉल 9 होते हैं, क्रिकेट फुटबॉल 11, 11, हॉकी 11, और क्या बचा? और बचा रग्बी 15, और एक बास्केटबॉल है, एक वॉलीबॉल है, उसमें 5 है, इसमें 6, याद रखिएगा। तो टोटल मैंने आपको सब बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस? दिलीप ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या होगा? दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित एक कप है, क्रिकेट से संबंधित कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, USA ओपन टेनिस प्रतियोगिता लगातार 5 बार किसने जीती? USA ओपन टेनिस प्रतियोगिता लगातार किसने जीती? राफेल नडाल, जिमी कॉनर्स, रोजर फेडरर, जॉन मैकेनरो। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा, रोजर फेडरर ने लगातार 5 बार USA ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट देखिए, अजीत वाड्रेकर किस खेल से जुड़े हुए हैं? पहला ऑप्शन क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ। अजीत वाड्रेकर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जसपाल राणा किस खेल से जुड़े हुए हैं? जसपाल राणा तैराकी, टेनिस, निशानेबाजी या तीर अंदाजी? तो याद रखिए, जसपाल राणा निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या इनमें से कोई नहीं? तो सारे आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन ही है ये सब अधिकतर। तो रंगास्वामी जो है वो हॉकी से संबंधित कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन किस दिन पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, और उस दिन को किस दिवस के अवसर पे मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी? तो एकदम धाकर जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स में आने वाले ढांसू क्वेश्चंस को ही लिया गया है, क्योंकि आपका सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इतना प्रैक्टिस कराया जाता है। हर एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम्स में फंस जाए। मुझे टारगेट लेना है कि कोई भी बच्चा 25 में से 22 के नीचे स्कोर ना करे, ये टारगेट मैं लेके चलता हूं। कम से कम ये टारगेट आप लोग हासिल करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं। यदि आप लोग क्लासेस को सही से अटेंड नहीं करते हैं तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से करवा चुका हूं और करवा रहा हूं। एग्ज़ाम तक आपको इतना तैयार कर दूंगा कि पेपर में 80-85% क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ ही आने वाला है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, तो यह क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है, इसका सही जवाब क्या होगा? चैंपियंस ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी यहाँ होगा, बट देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी तो हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी, तो यहाँ क्रिकेट सही जवाब होगा। बट ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हॉकी, क्या हॉकी में भी चैंपियंस ट्रॉफी होता है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, क्या हॉकी में चैंपियंस ट्रॉफी होता है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएं, हॉकी क्या चैंपियंस ट्रॉफी में होता है? बाकी देखिए, शतरंज, फुटबॉल, वॉलीबॉल तो होता ही नहीं है, बट ये ऑप्शन के बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही हॉकी सही होगा आई थिंक, क्योंकि देखिए ऑप्शन तीनों एलिमिनेट हो जा रहा है, बट यहाँ क्रिकेट का ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आता है? बट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्रिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल?
धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो हॉकी से जुड़े हुए हैं धनराज पिल्ले किससे जुड़े हैं? हॉकी से। एसेज जो है यह सब किस खेल से जुड़ा हुआ है? एसेज टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है टॉप 100 स्पोर्ट्स क्वेश्चंस में मैंने कराया हुआ है। एसेज किस खेल से जुड़ा हुआ है मुझे याद भी है मैंने किस वीडियो में कराया है। तो एसेज क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। एसेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को ही एसेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारायण कार्तिकेय किस निम्न में से जुड़े हुए हैं? सूचना तकनीकी, कार रेस, चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। नारायण कार्तिकेयन। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक ही जवाब चाहिए वो होगा कार रेस से जुड़े हुए हैं। कार रेस से जुड़े हुए हैं नारायण कार्तिकेयन। 2014 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था 2014 का विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट? ब्राज़ील, चीन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। अब ये क्वेश्चन में आप लोग पूरा उलट जाइएगा, मुझे पता है इस क्वेश्चन में सारे चीट हो जाएंगे क्योंकि आप लोग 2018 का पढ़ें, 2022 का पढ़ेंगे, 2024 का पढ़ेंगे, बट आप लोग 2014 पे जाएंगे नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन में लड़कों लोग पूरा उलट जाते हैं और जिसको नहीं पता वो नेगेटिव मार के आते हैं। गेस करने से कुछ नहीं होता, इफ़ आपने खेला देखा होगा तो आपको पता होगा। यदि मैं कमेंट में भी छोड़ दूँ तो आधे लोग इसके आंसर नहीं देने वाले हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए कमेंट पे छोड़ता हूँ। 2014 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस आयोजित किया गया, मुझे पता चल जाएंगे इसका आंसर। जितने लोगों में ने दिया है वो लोग पढ़ते हैं, मतलब वो लोगों को इसका आंसर पता है, वरना मैं रात तक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, दोला बनर्जी किस खेल कूद से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन, टेनिस, तीरंदाजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोला बनर्जी किस खेल से जुड़ी हुई है? आप लोगों ने नाम ही फर्स्ट बार सुना होगा, है ना? मुझे पता है दोला बनर्जी तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। किससे? तीरंदाजी। बुल आई मैंने बताया किससे है, बुल आई भी इससे संबंधित है। सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इतने इजी क्वेश्चन यदि एग्जाम्स में आएगा, यदि आप लोग गलत करते हैं तो इसका दोषी कौन होगा? मैं हूँगा, मैं तो नहीं हूँगा। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस। यदि सुब्रतो कप आप लोग राइट नहीं करेंगे तो क्या राइट करेंगे? तो यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ कप है। किससे? फुटबॉल से जुड़ा हुआ कप है। सुब्रतो कप किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन पूछा जाए सुब्रतो कप किससे जुड़ा हुआ, तो यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ कप है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? विश्व महिला बैडमिंटन, विश्व महिला लॉन टेनिस, विश्व महिला टेबल टेनिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मजा आता है आप लोगों को करवाने में। तो यह भी पूछा जा सकता है किस खेल से है, पर इसमें किस मतलब इससे बताया विश्व महिला बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है उबेर कप। डायरेक्ट यहाँ बैडमिंटन भी ऑप्शन दे सकता था आपको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए ये भी रोवर्स कप भी कराया हुआ है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। सारे क्वेश्चंस को मैंने करवाया है। एक तो कप का 40 इंपॉर्टेंट कप का मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको आज शेयर करता हूँ उस वीडियो को। 40 जो कपे हैं उनका वीडियो शेयर करता हूँ। रोवर्स कप किस खेल से संबंध है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा क्या? रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, मणिपुर। तो चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए वो क्या है? वो है कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली। तो यदि कोई मेरा स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को आंसर उसको सही नहीं पता, मतलब आप लोगों ने मुझसे पढ़ा ही नहीं है, तो आप अपना टाइम वेस्ट यदि एक वीडियो को देख के करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। याद रखिए सीमांत गांधी अभी तक मैंने 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूँ। इसका आंसर कोई भी गलत करे मतलब तैयारी छोड़ दीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करता है, क्योंकि आने वाले दिन में ये आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला है? भारत रत्न का बात है, नेल्सन मंडेला, सुंग यूंग सूची, अब्दुल गफ्फार खान या मदर टेरेसा। भारत रत्न जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो सबसे पहले किसको मिला है? किस विदेशी को बोला गया, याद रखिएगा यहाँ पर ही, नॉट भारतीय को, किस विदेशी को? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आपको मार्क्स जरूर बताना है कमेंट में, आज जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है उसका जवाब भी चाहिए। इसमें कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन है, पढ़ देता हूँ आपके सामने। किंग मार्टिन लूथर अमेरिका के निग्रो नेता थे। एनी बेसेंट जम से आयरिश थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, भारत का प्रथम उपग्रह उन्हीं के नाम पर था। फाहियान चंद्र को विक्रमादित्य के शासनकाल में आने वाला रूसी यात्री था। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब ही आपसे चाहिए, मुझे और कोई जवाब नहीं चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक और सही जवाब क्या है? फाहियान, यह गलत है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आने वाला रूसी यात्री था, यह एकदम दरअसल गलत है। इसका सही आपको बताना है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ये एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे देते हुए हैं, ठीक है। तो टोटल 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, 2014 का विश्व कप फुटबॉल वाला, आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं पूछूँ उसको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अपना मार्क्स को भी कमेंट बॉक्स में बता देना है। उससे मुझे पता भी चलता है किन किन बच्चों ने टेस्ट दिया, ठीक है। मार्क्स बताने से यह भी पता चल जाता है किन बच्चों ने टेस्ट दिया है। ये हो गया, और आज का कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चंस क्या होना चाहिए? चलिए, 2011 में विश्व क्रिकेट 11 में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? मैन ऑफ द मैच किसे मिला था और मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला था 2011 विश्व कप में, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए, दो गोल पोस्टों के बीच की जो ये चौड़ाई होती है कितनी होती है? दो गोल पोस्टों के बीच की चौड़ाई। और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एक और क्वेश्चन, झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? और दो क्वेश्चन आप जरूर बताइए। भारतीय वायुसेना में जो मेंटेनेंस कमान है, मेंटेनेंस आपको 7 या 8 कमान है, सभी का नाम याद रखना है, कहाँ है मेंटेनेंस कमान, कहाँ पर है मेंटेनेंस जो कमान है, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग कमान कहाँ कहाँ पर है, ये दोनों का नाम थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आपको नहीं आता गूगल से सर्च कीजिए, बट बताइए। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका नॉलेज बढ़े, ठीक है। और एक क्वेश्चन सुनते जाइए, और एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलिए आज इतने ही क्वेश्चन रहने दीजिए। क्वेश्चन सोच रहा हूँ, बाकी सब इजी क्वेश्चन से याद आ रहा, कुछ हार देने में मज़ा आता। 1905 ईस्वी में भारत के बंगाल विभाजन के समय भारत का उस समय कौन था, भारत विभाजन में अहम भूमिका किसकी थी, किस विदेशी की अहम भूमिका थी। और एक क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस ईस्वी में एंड किन्हों ने की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। याद रखिए, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछा हूँ, तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दे दीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट्स लिख सकते हैं, जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फुल लिखिएगा और सर्च कीजिएगा तो जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट्स आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद आप वहाँ ऐड हो सकते हैं। इफ़ यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो उसके लिए नंबर बता दे रहा हूँ, 8420
8674252 इसमें मैसेज कीजिए, ज्वाइन लिख दीजिएगा कि सर ज्वाइन करना है, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा, बट इस नंबर पे कभी कॉल नहीं होगा, इसलिए मैं ये नंबर प्रेफर करता हूँ। आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ ऐड कर दूँगा। तब तक के लिए जय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।